ुलर वीडियो सो दिसंग दीज वॉट इज दिल बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन कौन सेन विद रिगार्ड टू जे मे सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्कल सर्कल एज अ टॉपिक सो मैंने स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी कवर कर दिया है एंड यू कैन सी की सर्कल बहुत ज्यादा डे टू तो डे लाइफ में यूज होता है इन ऑलमोस्ट अ लॉड ऑफ

And I'm not saying that this is 20,000 uh, 2021. This is 2020 syllabus, right? And we will not get into these come syllabus come hoga, hoga Nobody knows. I also do not know take it. So this was 2020 syllabus which I mentioned standard form of equation of a circle general form radius and its center equation of circle when the endpoints of diameter. That means diametric form. Uh, then you were given points of intersection of a line and a circle key line is my secant tangent. या फिर नॉट टचिंग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंडीशन ऑफ टेंजेंट एन पॉइंट ऑफेंसीवेन सो यह एग्जैक्ट सिलेबस था बात करते हैं पर एक्चुअल में कितना करना होता है सर एग्जैक्टली exactly कितना करना होता है सो स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म कुछ नहीं है इस बेसिकली पैरामीटर पैरामीट्रिक पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है कई कई बार ये क्वेश्चन लोकस में बहुत यूज होता है ये जो है, ये जो पॉइंट है लोकस के में यूज होता है लोकस प्रॉब्लम राइट सो मैंने यहां लिखा नहीं बट लोकस लोकसम बहुत बनती है सर्कल पे इन सब टॉपिक्स को यूज करते हुए सर्कल पासिंग थ्रू सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल स्पेशली ये जो आ रही है सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस सर्कल टचिंग वाई एक्सिस सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस इसके ऊपर ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स and this is something which you should focus on, geometrical problems, ठीक है सर्कल थ्रू थ्री गिविन पॉइंट दिस इज ठीक ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सर्कल पासिंग थ्रू रीजन ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है और पता होना चाहिए कॉन्सेंटर्म नहीं आती है उसके अंदर y-axis, touching, touching, touching both axes, ये बहुत कॉम्बिनेशन में आता है टेंजेंट टचिंग अ टेंजेंट टचिंग एंड टचिंग बोथ दी एक्सेस राइट सो ये हमें पता होना बहुत जरूरी है इंटरसेप्ट कट बायल्ट राइट वो पता होना चाहिए पोजिशन ऑफ अट्ठ रेस्पेक्ट टू सर्कल पता होना चाहिए और point, जो उसके सेंटर से होता है कॉमन नॉर्मल के अलाउं वो पता होना चाहिए ये सारी चीजें जेई मीन के हिसाब से रिलेवेंट है इंटरसेक्शन ऑफ ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हम हैश टैग इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं अपना इम्पोर्टेंट राइट दिस इज हैश टैग इंपॉर्टेंट

वो यूज करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर कई कई बार क्वेश्चन बनते हैं घबराने की जरूरत नहीं है इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्शन कॉमन टेंजेंट्स ठीक है ना कंडीशन जो पांच केसेस बनते हैं वो कॉमन टेंजेंट्स कैसे कैसे बनती हैं कितनी होती हैं वो हमें पता होना चाहिए फैमिली ऑफ सर्कल्स मेंशन नहीं है सिलेबस में बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड डू और इस पे जो कॉमन कॉर्ड वाला की आपको याद हो अगर एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक सर्कल है उसने एक और सर्कल को इंटरसेक्ट करा है दो पॉइंट्स में सच दैट कि ये जो कॉमन कॉर्ड है उसकी डायमीटर बन जाती है कुछ ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत जरूरी है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स अगेन यू कैन यूज दिस विद हेल्प ऑफ एओडी बहुत ज्यादा नहीं करने की जरूरत बेसिक करिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी पता होनी चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद कम है ठीक है बट अगर पता हो तो बेनिफिशियल है तो अगर मेरे को यहां पर स्टामक करना हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इसको ज्यादा अगर वेटेज देनी है तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है आइए अगला कॉमन कॉर्ड अब ये जो टॉपिक्स हैं दीज आर ओनली फिलर्स फिलर्स का मतलब टाइम मिले तो करिए नहीं मिलता है टाइम तो मत करिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉमन कॉर्ड जो हम लिखते हैं एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो पता है सॉल्व करना आता है तो बहुत बढ़िया है लेंथ जे so मीन के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना होगा तो अच्छा इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इस पूरे टाइम में तो ये वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या दिलाऊ कौन सा था कि आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाई है तो ये जो पॉइंट को ज्वाइन करेगा ए बी इसको हम कहते थे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट

इन में भी कई कॉन्सेप्ट जेई मेन्स के लिए भी पढ़ाए जाते हैं ऐसा नहीं है बट दे आर नॉट आगाम्पल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ कैन डू फॉर मेन्सो बट नॉट रेलिवेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विध गिट इसमें विच यूज इज दिस कॉन्सेप्ट इन जेईसो बट यू कैन सोल्व दट विदाउट यूजिंग t इक्वल टू s1 वन द फॉर्मुला सो दैट इज वाई एम से डू नॉट गेट इन टू डेप्थ कि मुझे सारा करना है करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टर सर्कल इज नॉट इन सिलेबस बट बट आई वुड स्टिल से अगर पता है तो बेटर है बेटर क्योंकि ये ये है तो ये को याद कर लोगे तो रहेगा we'll नहीं करने की जरूरत और ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दीज आर टॉपिक्स फॉर जई एडवांस ओनली वहीं पर फोकस करें तो बेटर रहेगा ठीक है सो दैट इज अबाउट दॉपिक्स विच डन इसमें एक और हो सकता था जो मैंने शायद नहीं लिखा को एक्सिल सिस्टम एग्जिल सिस्टम ऑफ सर्कल ठीक है ना अगेन दैट्स अ टॉपिक फॉर जेई एडवांस ओनली ठीक है आपको यहां पर जेई मीन -E में पढ़ने की जरूरत नहीं है अब मेटेरियल क्या सोल्व करें ओनली रेलिवेंट मेटेरियल इज अग प्रॉब्लम फॉर यूज नाउन यू दी हिंट की कौन कौन से टॉपिक uh, आपको पढ़ने चाहिए तो उसी पर ज्यादा फोकस करें जो भी आप प्रॉब्लम सेट कर रहे हैं उसमें मेक श्योर sure करें दैट यू ओनली सोल्व टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर जेई मीन जो मैंने आपको बता दिए हैं एंड अगेन प्रीवियस अ फैंटास्टिक रिसोर्स बिकॉज कई कई बार ना हमें कॉर्न ज्योमेट्री टफ लगती है दैट सर आई डू नॉट हैव डन इट इट माइट बी टफ बिलीव मी इट्स वेरी इजी प्रोवाइडेड इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस के लिए प्रीवियस ईयरस आपको वो कॉन्फिडेंस देंगे कि आपसे वो चीज हो सकती है ठीक है ना सो वॉट डू यू एक्सपेक्ट सो एक चीज याद रखिएगा हम कई कई बार फॉर्मूला ड्रिवन काम करते हैं जैसे हमने बात करी थी कि सर स्ट्रेट लाइन इज फार्मूला ड्रिवन नहीं, so, kind of नहीं, नहीं आए हुए? हुए हैं सो दैट इज समिंग विच इज विच विल ओपनर फॉर यू जो आपको हेल्प करेगा सोचने में कि यार हाँ सिर्फ फॉर्मुले से कुछ नहीं होता है स्पेशली टचिंग uh, uh, वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आप प्योर ज्योमेट्री ट्राइंगल राइंगल कंप्लीट करके ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सो काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन एट एट सर्कल्स दी एग्जामिनेशन सो प्लीज मेरा एक्सपेक्टेशन अभी भी यही है कि ज्योमेट्रिकल आस्पेक्ट आपको दिखना चाहिए क्वेश्चन के अंदर देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सेल एक्सेलेट दिस चैप्टर ठीक है चलिए आई होप यू लाइक दिट एंड यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर सेविंग ईच ऑफ दीज वीडियोज बिकॉज आप जब भी सर्कल करेंगे दिस वीडियो हैज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल गॉन थ्रू जिससे आपको आइडिया लग पाए और जाने से पहले एक काम सब लोग लिखेंगे पेपर फोड़ना है दैट्स दैट वी आर गोइंग टू डू पेपर फोड़ना है ये तो करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए ठीक गॉड ब्लेस सी नेक्स्ट वीडियो